सोची चलो आज भी एक वीकेंड ब्लॉग बना के अपलोड करने की ट्राई करती हूँ। तो सुबह तो उठ चुकी हूँ, खा चाय हो चुका है, पर अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ ना धोके। तो मैं जब उठना इस तरफ आई तो मम्मी के चैनल पे सोच रहे थे कुछ वीडियो छोड़ेंगे, तो आज मम्मी अपना किचन पूरा सेट कर रही है उसकी वीडियो बनाने के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको मम्मी, मेरा ही मम्मी अपनी किचन सेट करती हुई। क्या कर रहे हो मम्मी? तो मम्मी अपनी किचन सेट कर रही है, उसकी सारी मसालों की डिब्बी सब सेट करके रख रही है ताकि। तो मम्मी अपना किचन सेट करने के बाद हम जब नहा धो के रेडी हो जाएंगे तब वीडियो बनेगा। तो ऊपर मैं जब एक ऑन करी शूट करने के लिए तब देखी कि मेरा स्किन बहुत ही बेकार दिख रही है। तो सोच रही हूँ कुछ होममेड फेस पैक बना के मुँह में लगाऊँ, थोड़ा लेपू मुँह में ताकि एक लेप बना के लगाऊँ ताकि मैं थोड़ी सुंदर दिखूँ जब भी वीडियो शूट करने के लिए निकलूँ। पता नहीं आजकल क्या हुआ है, मेरा स्किन बहुत ही बेकार दिख रही है। तो चलो मैं पहले अपना DIY फेस मास्क तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ उसमें मैंने क्या क्या डाला है, कैसे क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा थोड़ा खिड़की के पास बैठ के बनाती हूँ ताकि मैं थोड़ी अच्छी दिखूँ लाइट के हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ही बेकार दिख रही हूँ। तो यहाँ खिड़की के पास पूरा चिपक के बैठूँगी तो गाड़ियों की आवाज़ तो आएगी ही आएगी। तो मेरा DIY मास्क तैयार हो चुका है, उसमें मैं क्या क्या डाली हूँ आपको दिखाती हूँ। ऐसे दिखाऊँगी क्या, बता ही देती हूँ। चलो इधर से ब्लॉक हो रहा है। तो मेरा मास्क मेरा फेस मास्क कुछ इस तरह दिख रहा है। इसमें मैं थोड़ा शायद हनी ज़्यादा हो गया है, इसमें मैंने डाला है, मैं डाली हूँ इसमें हल्दी और दही डाली हूँ, हल्दी कर्ड हनी और रोज वाटर डाली। तो मैं फेस मास्क लगा के लगाने के बाद फेस मास्क लगा के आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सोची कि थोड़ा बाहर आके बैठती हूँ, लाइट में थोड़ी अच्छी दिखूँगी क्योंकि कैमरा में शूट कर रही हूँ तो कहाँ पे क्या धब्बा है, काला धब्बा है, वाइट हेड से ब्लैक हेड से सब दिख रहे हैं, पूरे क्लियरली दिख रहे हैं। और मैं एंगल भी गलत कर रही हूँ, इस साइड में देख रही हूँ जो कि मुझे कैमरे में डायरेक्ट दिख रहा है। तो यह हो जाएगा धीरे धीरे सब, अभी नए नए बना रही हूँ तो ऐसा हो रहा है, जब बनाने के लिए कंटिन्यूस बनाऊँगी तो ठीक हो जाएगा, एंगल भी ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने अभी बाहर बैठ के ये जो मैंने फेस पैक बनाई हूँ ये लगाऊँगी, फिर आपको लगाने के बाद मिलती हूँ। वैसे लगाते लगाते भी बात कर सकते हैं कि मैंने अपनी जो स्टोरी लिखी थी उसकी मैंने कल वीडियो अपलोड की हूँ, एक छोटा सा ही मैंने पहले सोचा था कि शॉर्ट मैं छोड़ूंगी, पर जैसे कि होता है ना कि अगर लैपटॉप से अपलोड करो तो शॉर्ट सेक्शन में नहीं जाती है, तो इसलिए और मुझे तब समझ में भी नहीं आया कि कैसे शॉर्ट सेक्शन में अपलोड करूँ। तो मैंने ऐसे वीडियो अपलोड किया है, जाके देखना जो लोग कैसे आइडिया शो देखते हैं देखते थे उन लोगों तो पता ही होगा, और जो मेरे पहले एडिट्स देखते थे मेरे चैनल में क्योंकि मैं उसी शो के ऊपर ही जैसे एडिट्स छोड़ती थी, तो उसके मेन कैरेक्टर्स को लेके मैंने एक फैन फिक्शन स्टोरी लिखी है, तो उसने उसका मैंने एक एपिसोड अपलोड की हूँ। एक स्टोरी का अभी स्टोरी का बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, मैं उस पर शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्ट देके देखेंगे, अगर व्यूज़ भी पहले जैसा आएगा तो मैं अपलोड करूँगी लेंदी वाला वीडियो, वरना अभी ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप्स में बना कर ही मेरा स्टोरी में अपलोड करूँगी। तो आप लोग देख के बताना कि कैसा लिख रही हूँ मैं, और खुद ही वॉइस ओवर दे रही हूँ तो थोड़ा सा
पार्ट को प्रोनाउंस करने में गलती हो सकती है या फिर अच्छे से क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं नॉर्मल ईयरफोन से ही बस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो शायद उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग देखिए और पहले जैसा व्यू लाइए, क्योंकि मैंने बहुत 2 महीने से कुछ भी वीडियो मेरे चैनल पर नहीं छोड़ी थी, तो बहुत पूरा डाउन पर चला गया है, रीच कुछ भी नहीं है, व्यू भी पूरा डाउन चला गया है। तो आप उसको थोड़ा देख के उस चैनल में शेयर वगैरह कीजिए ताकि मेरा व्यू थोड़ा ज़्यादा आए और मुझे वीडियो बनाने में भी इंटरेस्ट आए, वरना ऐसे ही मैं हर चीज़ को छोड़ देती हूँ, आधा आधा करके इसको भी छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बनाना। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं लगा चुकी हूँ, मास्क रेडी है। फिर मैंने फेस मास्क लगाने के बाद धो के रेडी हो गई थी और फिर मैं भूल गई वीडियो बनाने के लिए। और फिर उसी दिन शाम को ही मम्मी ने बड़े बनाए थे, वो सब हमने खाया भाई और मैंने। फिर नेक्स्ट डे हमने उसी दिन, और मम्मी का वीडियो शूट नहीं हुआ था, नेक्स्ट डे हुआ था, मम्मी की वीडियो शूट हुआ था। और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जो बीच में से अटका हुआ था उसका मैंने फिर से कंटिन्यू करके लिखना उसका शुरू किया था। तो दो वर्डपैड में मैं लिख रही हूँ, तो दो एपिसोड्स मैंने फिर से अपलोड किए थे या फिर दो चैप्टर। फिर मैंने देखी थी थोड़ी डार्क स्कॉल की एपिसोड जो कि MTV में आ रही है। फिर उसके नेक्स्ट डे आई थिंक वेडनेसडे को भाई ने बनाया था कोरियन नूडल्स जो कि खा के हमारी आँख कान नाक से धुएं निकल गए थे, क्या मैं बताऊँ। फिर उसके बाद से मैं इस वीक में और वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे आंखों के नीचे कुछ तो एक हो गया था, तो थोड़ा स्वेलिंग हो गया था, मैं अच्छी दिख भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और बाकी के डेज में इस वीक में क्या किया वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।